गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आज हम पढ़ेंगे इक की मात्रा यानी छोटी की मात्रा। इक की मात्रा वाले शब्द, छोटी की मात्रा को जब हम बोलते हैं तो उसका उच्चारण तुरंत करते हैं, जैसे सिद्ध यानी स में छोटी ई लगी तो हम बोले सिद्ध सी। अब यहाँ हम देखें छोटी की मात्रा से बने शब्द, जैसे स में छोटी की मात्रा लगी सी र सिद। जब भी हम छोटी ई की मात्रा लगाते हैं तो वह सदा वर्ण के पहले लगती है, वर्ण के बाद नहीं, वर्ण के पहले। जैसे हम यहाँ देखेंगे स के पहले छोटी की मात्रा लगी सी र सिल। अब हम देखेंगे दिन, द में भी देखिए वर्ण के पहले लगी है मात्रा, यानी जब भी हम ई की मात्रा लगाएंगे वह वर्ण के पहले लगेगी। जैसे द में छोटी की मात्रा लगी थी न दिन। किताब, यहाँ हम देखेंगे क में भी छोटी की मात्रा वर्ण के पहले लगी है, यानी कि ता ब किताब। गिटार, यहाँ गिटार में भी ग के पहले ई की मात्रा लगी गी टा र गिटार। हम कुछ ई की मात्रा के शब्द पढ़ेंगे। यहाँ देखिए एक चिड़िया है, चिड़िया इसमें भी हमने छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया है, जैसे च के पहले ची ल के पहले ई चिड़िया, यानी जब भी हम छोटी की मात्रा लगाते हैं वह वर्ण के पहले लगती है। धनिया, ध न में छोटी की मात्रा यानी न के पहले छोटी की मात्रा लगी है नी या धनिया। डाकिया, डा क में छोटी की मात्रा की या डाकिया। सितार, स में छोटी की मात्रा वर्ण के पहले लगी सी तार सितार। किला, क में छोटी की मात्रा क के पहले लगी की ला किला। दलिया, द ल में छोटी की मात्रा पहले लगी ली या दलिया, यानी हम जब भी छोटी की मात्रा लगाएंगे वह वर्ण के पहले लगेगी। अब यहाँ हम ई की मात्रा से संबंधित कुछ शब्द पढ़ेंगे, जैसे दिन गिन रवि कवि छवि नित तिल। यहाँ हमने क्या देखा, सब में छोटी की मात्रा वर्ण के पहले लगी है। छोटी की मात्रा जब भी हम लिखते हैं एक स्टैंडिंग लाइन के साथ साथ ऊपर एक छाते जैसा घुमावदार रहता है, जो ऊपर की स्लीपिंग लाइन में सटी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा अगर सटी नहीं होगी तो वह ई की मात्रा नहीं कहलाएगी। अब पढ़ेंगे चित्र पिता मिला किया निशा विदा घिरा बिगड़ा तिनका सिरका गिटार विभाग पिचका पिकला निकला विशाल कविता सरिता बनिया विनय विजय। यहाँ पर हमने देखा सारे शब्दों में छोटी की मात्रा वर्ण के पहले लगी है। अब हम छोटी की मात्रा के शब्द से बने कुछ वाक्य पढ़ेंगे, जैसे रवि किरण किधर निकल गई। यहाँ हम देखेंगे रवि किरण किधर निकल में छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है, यानी स्टैंडिंग लाइन के साथ साथ एक छाते जैसा आकार है जो स्लीपिंग लाइन पर सटी हुई है, यानी रवि किरण किधर निकल, इन चारों पर हमने छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया है। गई, अनिल किताब पढ़। अब यहाँ हमने अनिल अ न में छोटी की मात्रा ली ल अनिल। किताब पढ़, किताब में क के पहले छोटी की मात्रा की ता पढ़। सलील आज शनिवार था, यानी शनिवार में भी हमने स नी, जब हम ई की मात्रा पढ़ते हैं तो वह हम कैसे उसका उच्चारण करते हैं नी, शनिवार था। अब रविवार का दिन निकट आ गया, हम जब भी ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे जैसे रविवार, यानी जहाँ ई की मात्रा लगी वह, जैसे यहाँ र वी यानी व में ई की मात्रा लगी वी वार रविवार का दिन। दिन में हमने छोटी की मात्रा लगाया तो द में जब ई लगती है तो बन जाता है ती न दिन निकट आ गया।
ना में छोटी ई लगी, तो जब ई लगेगी तो ई का उच्चारण करेंगे, तो ना में ई लगा, नी कट निकट गया, सासी टिकट हिसाब लगा कर ला। यहाँ हम देखेंगे ट में भी छोटी लगी तो क्या बना, टी कट टिकट हिसाब, हमें छोटी लगी ई, जब हम ई लगाते हैं तो हम उसका उच्चारण करेंगे ई, यानी हमें ई लगी ही साब लगा कर ला। दिन, यहाँ पर द में छोटी की मात्रा लगी तो क्या बना, दी, यानी जब भी हम ई का उच्चारण करेंगे तो ई, दी, दिन भर, रिम झिम, यानी द भी छोटी लगी तो र से ई, यानी उसमें ई की मात्रा है तो दी, म, झ में छोटी की मात्रा है तो जी, म, रिम झिम, जल, बरसा, बबीता, बिटिया, बढ़िया, बढ़िया, नारियल, गिनकर रख। हम देखेंगे बबीता, यानी ब के बाद ब वर्ण में कुछ नहीं लगा है, कोई मात्रा नहीं है, लेकिन उसके बाद वाले ब में ई की मात्रा है तो ई, और त में आ की मात्रा है इसलिए हम पढ़ेंगे ता, बबीता, बिटिया, यानी ब में भी ई लगी बी, त में भी ई लगी टी, य में आ लगा आ, यानी बिटिया, बढ़िया, ब, ढ में छोटी ई लगी ढी, य में आ लगा या, बढ़िया, बढ़िया, नारियल, गिनकर रख। अभी हम देखेंगे नारियल, जब ना बोले तो आ की मात्रा और री बोले तो ई की मात्रा है, ना री यल, गिनकर रख, गिनकर में ग के पहले छोटी की मात्रा लगी गी, न कर रख, डिबिया पर टिकिया मत रख, यानी डिबिया के पहले भी हमने छोटी लगाई तो क्या बन गया, ड में छोटी लगी डी, ब में छोटी लगी बी, य में आ, डिबिया पर टिकिया, ड में भी छोटी लगी टी, क में छोटी लगी की, या टिकिया मत रख, यानी हम जब भी किसी वर्ण में ई की मात्रा जोड़ेंगे, जैसे क में वर्ण की ई की मात्रा लगाए तो की, ख में ई की मात्रा लगी खी, ख में ई की मात्रा लगी की, यानी हम उसका उच्चारण ई के रूप में करेंगे, जिस वर्ण में भी लगेगी ई की मात्रा वह ई के उच्चारण में आ जाएगा, जैसे की, खी, घी, घी, इस प्रकार हम सभी वर्णों में ई की मात्रा लगाकर उच्चारण करेंगे।